ये सारा सामान क्यों बिखरा हुआ है? वो मैं नोबिता के बचपन की फोटोज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पर तुम्हें वो फोटोज चाहिए क्यों? बस ऐसे ही। मुझे यकीन है सब बोलेंगे कि मैं बहुत क्यूट था। ये गलत बात है, तुमने कहा था तो मेरा इंतजार करोगे, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम फिर देर से आए हो नोबिता। हमें लगा था कि तुम भाग गए और तुम अपनी फोटोज दिखाना नहीं चाहते नोबिता। ये देखो नोबिता, ये उस दिन की फोटो है जब मैं पैदा ही हुई थी बस। शिजुका, बचपन में तुम सच में बहुत प्यारी थी। और ये है मेरी फोटो दोस्तों। पेश है सुनियो की बर्थडे स्टोरी। शाम के 5:05, सुनियो इस दुनिया में आ गया। सबसे पहले मैंने इसे अपने हाथ में लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा प्यारा बेबी। मेरी प्यारी मामा। ये है मेरी वाली। चौंकना मत, बचपन में मैं बहुत क्यूट था। ये देखो। मैं तो वाकई चौंक गया जियान। ये एक मोटा सा बंदर लग रहा है। दोस्तों अब मेरी बारी है। मैं बहुत क्यूट हूँ, है ना? क्या कह रहे हो? मुझे तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ये क्या है? इससे पहले की फोटो कहाँ है? नोबिता, ये तुम्हारी शुरुआत की फोटो तो नहीं है? ला, मुझे दो। अरे इस एल्बम में तो तुम्हारे पैदा होने से एक महीने बाद की फोटोज है नोबिता, पहले की फोटोज कहाँ है? इसका मतलब तुम्हारी शुरुआत की फोटोज तो है ही नहीं। शायद तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे पैदा होने के बाद फोटोज खींची ही नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे नोबिता, जब तुम पैदा हुए थे सुंदर नहीं थे, तुम्हारा मुंह बहुत लंबा था, तुम्हें देखकर लोग कहते थे कितना अजीब सा बच्चा है। हाँ, सही कहा। तुम दोनों बिल्कुल गलत कह रहे हो। देखो ऐसा नहीं है, जरूर इसकी कोई वजह होगी। अच्छा तो वो वजह क्या थी? मुझको लगता है कि इसके मॉम डैड इसे प्यार नहीं करते थे। तुम कभी बोलने से पहले सोचते हो? मैं अपने पैदा होने के फौरन बाद की फोटो ढूंढ कर आऊंगा। क्या हुआ इसे? पता नहीं। ये लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद की फोटोज आखिर जा कहां सकती हैं? क्या मॉम डैड नोबिता से प्यार करते हैं? ओ, तुम आ गए नोबिता। तुम आज भी बिना अपना होमवर्क के बाहर गए थे, है ना? और पूरा कमरा भी बिखरा पड़ा है तुम्हारा। बात दरअसल ये है मॉम की, मैं अपने बचपन की कुछ फोटोज ढूंढ रहा था, आपने देखी है? मैंने तुम्हारी कोई फोटो वोटो नहीं देखी, समझे तुम? और कल स्कूल है ना, तुमने होमवर्क भी पूरा नहीं किया। आखिर तुम चाहते क्या हो, कि टीचर मुझे फोन करे? जाओ और अभी होमवर्क पूरा करो। मैं वो बाद में कर लूँगा। तुम हमेशा अपना होमवर्क टालते रहते हो, क्यों करते हो ऐसा बोलो? क्या मॉम, मैंने कहा ना मैं बाद में कर लूँगा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अपना होमवर्क करो जाकर। हाँ जरूर मॉम, मैं चेक करने आऊंगी, समझे? ठीक है, अब मैं अपनी फोटोज ढूंढ कर सबको बताऊंगा। मुझे पता था तुम अपना होमवर्क करने नहीं जाओगे। तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी टीचर मुझे फोन करके शिकायत करे? तुम्हारी मॉम एकदम सही कह रही हैं। तुम जो कहते हो तुम्हें वो करना चाहिए, क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे टेस्ट्स में हमेशा जीरो आते हैं, समझ नहीं आता एक ही बात में तुम्हें कितनी बार समझाऊं। तुम हमेशा ऐसी गलती क्यों करते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे सुधारूं। तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी होगी नोबिता, समझे? ये तुम क्या कर रहे हो नोबिता? मैं जा रहा हूँ। क्या करा? मुझे आखिरकार पता चल गया, ये घर जिसमें मैं रहता हूँ मेरा असली घर नहीं है डोरेमोन। ये तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? यही सच है, मुझे अभी पता चला। अगर वो मुझसे प्यार करते तो मुझे ऐसे नहीं डांटते डोरेमोन, और मेरे पैदा होने पर बहुत सारी फोटोज भी खींचते। ये देखो, यहाँ मेरे पैदा होने के ठीक बाद की फोटो ही नहीं है, सब एक महीने बाद की है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? क्या कहा? अगर वो मुझे दिल से चाहते तो मेरा नाम नोबिता कभी नहीं रखते, वो लोग कोई अच्छा नाम रखते हैं, समझे तुम? हाँ सही कहा, मुझे भी तुम्हारा नाम बहुत अजीब लगता है नोबिता। लेकिन नोबिता नोबी बोलने में कितना आसान है और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है, चाहे इसका जो भी मतलब हो। इसका मतलब
वाकई में कुछ भी नहीं है। कहीं उन्होंने मुझे कोई पुराना नाम तो नहीं दे दिया। मैं उनका बच्चा नहीं हूं डोरेमोन। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बिल्कुल नहीं। नोबिता, तुम गलत समझ रहे हो। अलविदा डोरेमोन, बाय। नहीं, रुक जाओ नोबिता, प्लीज। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पर? जियान के घर जाऊँ? हे नोबिता, सुनियो के घर चला जाता हूँ। तुम बिल्कुल क्यूट नहीं थे। या फिर शिजुका के घर। हाँ, अरे शिजुका। सॉरी, तुम्हें इंतजार करवाया, चलो चलते हैं। अच्छा मॉम, मेरे पैदा होने के बाद की बातें बताइए ना, कि मैं क्या किया करती थी। पता है, वो बहुत ही सुंदर दिन था जब तुम पैदा हुई थी, और तुम बहुत शांत थी, एकदम एक प्यारे बच्चे की तरह। और तुम रो रही थी, मैं तो चौंक गई थी, पर फिर तुम्हारी मीठी आवाज मुझे बहुत सुंदर लगी और तुम धीरे धीरे चुप हो गई। सबने कहा तुम बहुत सुंदर हो। अरे, बारिश होने लग गई। ये क्या, अब क्या करूं? मैं छाता भी नहीं लाया। चलो जल्दी फिर चलते हैं मॉम। ओके बेटा, पता है आज लंच में खाने को क्या है? स्पेगेटी और शाही पनीर। सबकी मॉम्स अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन मेरी मॉम। अरे, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम भी अपना घर छोड़कर आ गए हो? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। नोबिता, कहाँ हो तुम? अरे नोबिता तो कहीं नहीं दिख रहा। लगता है ये बारिश अभी रुकेगी नहीं। हाँ? डोरेमोन, तुम यहाँ? देखो, अब नाटक करना बंद करो और मेरे साथ घर चलो। मॉम ने डिनर में नूडल्स बनाए हैं। क्या? नहीं, मैं घर वापस बिल्कुल नहीं जाऊँगा डोरेमोन। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं घर वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सच तो ये है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर ऐसी बात है तो वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आए, बोलो। मैं जानना चाहता हूँ मेरे जन्म पर मेरे मॉम डैड कैसे थे डोरेमोन। क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो? लेकिन कैसे? तो हम टाइम मशीन से उस दिन में जाते हैं जब तुम पैदा हुए थे। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो उस साल में चलते हैं जब मैं पैदा हुआ था, और मैं पैदा हुआ था 7 अगस्त को। ये मेरा कमरा है 10 साल पहले का। ये तो बहुत अजीब सा है। हाँ? ये मेरा कमरा नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे पहले यहाँ कोई और रहता था? तुमने सही कहा। रो क्यों रहे हो? भूल गए, तुम तो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हो। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे लगता है ये डैड का स्टडी रूम होगा। यहाँ कोई भी नहीं है, जबकि आज के दिन मैं पैदा होने वाला था। कहाँ है वो? अरे डैड, आपका स्वागत है। ये बताओ, तुम आखिर कौन लोग हो? ये मैं हूँ नोबिता हूँ डैड, आप अपने बेटे को कैसे भूल सकते हो? समझ में नहीं आता ये कौन है। मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नोबिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भूल गए, तुम अभी तक पैदा भी नहीं हुए हो। अरे हाँ, सही कहा। तुम आखिर हो कहाँ? कहाँ हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ। ये डैड को क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है, मैं तो बहुत डांस करूँगा। क्या कहा? नर्स बोल रही हो? अभी नहीं हुआ, खबर बस आने ही वाली है। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? क्या, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। मैं बस आने वाला हूँ, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। अरे वाह। रुकिए डैड, समझ नहीं आ रहा डैड कहाँ गायब हो गए।
नोबिता, जरा ये देखो। क्या आप मुझे वो वाला दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। लेकिन जब तुम पैदा हुए थे तब की फोटोज तो। डैडी कैमरा खरीद रहे हैं। स्नैप 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 स्नैप। मेरा बेटा आने वाला है। एक्चुअली वो मेरा पहला बच्चा है। मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन प्लीज हॉस्पिटल में शांति बनाए रखिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। खबर देने के लिए शुक्रिया। हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैं आता हूँ। ये है मॉम का हॉस्पिटल रूम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये बेहतरीन तोहफा दिया है। शुक्रिया मुझे नहीं, अपने बेटे को बोलिए। अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, ला, 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 कितना अच्छा है। फोटो खींचता हूँ। अपने बच्चे की एक फोटो लेना तो बनता है ना। वो हंस रहा है। है? क्या सच में ये मैं हूँ? कितना अजीब हूँ, बिल्कुल बंदर जैसा। ए, तुम बंदर किसको कह रहे हो? अरे कौन थे वो बच्चे? वो बच्चे यहाँ पर घूम रहे थे। मुझे उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी कि उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कहा। हाँ डैड ऐसा सोचते हैं क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अफसोस की बात है, उस वक्त मैं कितना अजीब सा दिखता था। अरे हाँ सुनिए, क्या आपने ग्रैंडमा को फोन कर दिया है? हाँ, उनके तो खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो सबको बताने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी। तुम्हारी वजह से वो कितने खुश हैं। अच्छा तो अब हम इसका नाम क्या रखेंगे ये तो बताइए। मैंने तो पता नहीं कब से इसका नाम सोच के रखा हुआ है। हाँ? हाँ? इसका नाम होगा नोबिता। नोबिता अच्छा नाम है ना ये? हाँ, अच्छा है। मुझे एक अच्छा सा नाम चाहिए था। मैं भी उन्हें बता कर आता हूँ कि वो मेरा कोई ढंग का नाम रखें। अंदर मत जाना वरना वो तुम्हें डांटेंगे। हैं? इस नाम का मतलब क्या है? तुम बताओ। ये ढूंढना होगा। हैं? देखो तुम यहाँ से देख सकती हो है ना, वो बड़ा सा पेड़ उस नदी के सामने। वो सब तो ठीक है पर इस नाम का मतलब क्या है? एक बात बताता हूँ, जिस दिन तुमने सबसे पहले बताया था कि हमारा बच्चा होने वाला है, उस दिन एक बार मैं वहाँ पर गया था और तब मैंने पहली बार उस पेड़ पर ध्यान दिया था। बहुत ठंड थी उस वक्त, उस पेड़ पर बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पेड़ खूबसूरत लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि उसे देखता ही रहूं। जब तक हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं आता, मैं सोचता रहता था कि यहाँ किस तरह के फूल आएंगे। मैं उस पेड़ को बस निहारता रहता था। और इसीलिए आपने मुझे इस हॉस्पिटल में लाने का फैसला किया। हाँ मैं चाहता था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर स्वस्थ बने, अच्छा बच्चा बने, खूब पढ़े, खूब खेले और उस पेड़ की तरह वो हमेशा फलता फूलता रहे। मैंने इस बच्चे का नाम यही सब सोच कर रखा है। अब समझी तुम? बहुत ही अच्छा नाम है। मैं चाहती हूँ कि बड़ा होकर ये एक बहुत ही अच्छा दयालु और मेहनती लड़का बने। हाँ हाँ जरूर, वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर वो तुम्हारे जैसा होगा तो वो स्कूल में जरूर फर्स्ट आया करेगा। अगर वो आपकी तरह होगा तो वो खेलकूद में भी फर्स्ट आया करेगा है ना? और शायद वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाएगा और एक दिन बड़ा होकर एक महान आर्टिस्ट बन जाएगा। देखा तुमने, मामा डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम चुप रहो। नोबिता क्या स्कॉलर बनेगा? हा? या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी? चाहे वो बड़ा होकर कुछ भी बने, बस उसे एक अच्छा और नेक इंसान बनना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो बहादुर हो, खुश हो, स्मार्ट हो, स्वीट हो, समझदार हो, हैंडसम हो और इन सबसे जरूरी वो हो एक नरम दिल इंसान। बस कीजिए। तुम? आपको इतनी सारी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। क्या कहा तुमने? ये बच्चा इतना भी खास नहीं, नॉर्मल बच्चा है। क्या तुम्हें हमारे बच्चे से कोई प्रॉब्लम है? बोलो, निकल जाओ यहाँ से।
सॉरी 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 सॉरी, देखो देखो नमिता, ये डैड कर रहे हैं। अब मैं इसकी बहुत सारी फोटो खींचूंगा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन की बातें बताया करूंगा। हाँ, ये कितना खुश होगा ना। और जब ये बड़ा होगा तो मुझे डैड डैड कहकर बुलाया करेगा। अरे हाँ, याद आया, चलो उस पेड़ की भी एक फोटो ले लेते हैं। अच्छा लग रहा है, नोबिता को जरूर पसंद आएगा। अच्छा तो ठीक है। अरे अरे, वो कहाँ गया, कहाँ गया वो? अरे वो तो यही था। डैड, डैड कहाँ है? डैड कहाँ है आप? डोरेमोन, डैड को बचाओ। हाँ, एक मिनट नोबिता। मैंने 3 साल तक इस कैमरे के लिए पैसे बचाए थे, ये तो पूरा टूट गया। कितने अफसोस की बात है, नोबिता के पैदा होने की फोटो सारी इसी में थी, अब क्या करूं? क्या अब हम घर चलें नोबिता? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मॉम डैड के पास तुम्हारे पैदा होने की फोटोज क्यों नहीं है। सच तो ये है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ? नोबिता वो देखो। हाँ? ये तो वही पेड़ है ना? हाँ। चलो उसके पास चले। अरे वाह! ये कितना बड़ा और खूबसूरत पेड़ है। होना भी चाहिए, इसकी वजह से ही तो तुम्हें तुम्हारा नाम मिला है। नोबिता, अरे नोबिता! डैड, मॉम, मैं शर्मिंदा हूँ। ओह नोबिता, मुझे माफ कर देना नोबिता। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, जिस दिन तुम पैदा हुए थे मैं बहुत खुश हुआ था, उस खुशी में मेरा कैमरा टूट गया था, जिसके लिए मैंने बहुत पैसे जमा किए थे, पर हुआ ये कि वो कैमरा मेरे हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी बचपन की फोटो दिखाऊं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका बेटा। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हारी मॉम और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे पैदा होने से पहले हमें पता नहीं था कि हमारे घर में इतना प्यारा बेटा आने वाला है। मैं ये सब बातें तुम्हें वो फोटोज दिखाते हुए बताना चाहता था, लेकिन एक बात है, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, आप जरा ये देखो नोबिता। ये क्या है? इसमें तुम्हारे कुछ स्केच हैं। हाँ, मेरा स्केच? जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन पूरी रात बैठकर तुम्हारे डैड ने इन्हें बनाया था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं याद कर सकूं जब तुम पैदा हुए थे तो कैसे लगते थे, पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर तुम बहुत प्यारे थे। पढ़ाई या खेल हो या दोस्ती की हो जो बारी, जैसे सूखा कोई पेड़ हो जो हरा हुआ नहीं। कोशिश किसी कोने में है।
शुक्रिया बेटा। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, समझदार भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैड। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम चाहो तो तुम भी मेहनत करके ऐसा बन सकते हो। तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तुम मेहनत करोगे तो तुम भी अच्छे बच्चे बन जाओगे और तुम हमारे बहुत ही प्यारे बेटे हो। लाजवाब। कितना अच्छा है ना? हाँ सचमुच। सचमुच ये पेड़ 10 सालों में कितना बड़ा हो गया है। बिल्कुल हमारी नोबिता की तरह। एक बात पूछूं? मैं आप सबकी यहाँ पर एक फोटो खींच सकता हूँ? जरूर। कैमरा कहाँ है लेकिन? टन टन। तो फिर सब लोग तैयार हो जाओ और जल्दी से बोलो चीज चीज।